जालौन में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 3। चिकित्सक दंपति के बाद अब एक निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर मैनेजर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके बाद हरकत में आए जिला प्रशासन ने हॉस्पिटल को सीज कर दिया है। साथ ही अस्पताल के पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर सभी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। बता दें कि जालौन के मुख्यालय उरई में चिकित्सक के रूप में निकले पहले मामले के बाद अब मामले धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। चिकित्सक के बाद उसकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी और अब एक निजी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में कार्यरत मैनेजर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। मामले की जानकारी देते हुए DM डॉक्टर मन्नान अख्तर ने बताया कि कोरोना के पहले मरीज से जुड़े 36 सैंपलों को जांच के लिए भेजा गया था, जिनमें से 30 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 6 में से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जो कि PL कमला प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में मैनेजर के पद पर कार्यरत था, जिसे पहले ही क्वारंटीन किया जा चुका था। अब उसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि यदि वह इस अस्पताल के संपर्क में आए हैं तो खुद जिला अस्पताल आकर अपनी जाँच कराए। परसों हमारे 25 तारीख को लगभग 36 सैंपल्स भेजे गए थे, जो लोग क्लोज क्वारंटाइन में थे, क्लोज कांटेक्ट में थे संबंधित पेशेंट के। उनमें से जो है कल रात को 30 का रिजल्ट आया था, वो नेगेटिव आया था। आज सुबह 6 बजे के आसपास 6 लोगों का रिजल्ट आया, जिसमें एक आदमी पॉजिटिव पाया गया है। वो आदमी जो है ऑपरेशन थिएटर मैनेजर था PL कमला अस्पताल में। तो उसका वो पहले से ही जो है वो हमारे मेडिकल क्वारंटाइन में था, तो उसको वहीं आइसोलेट करके उससे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। इसके पश्चात जो है उसे L1 अस्पताल में जो है झांसी शिफ्ट किया जाएगा।